नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगी, तो आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। आज ही के दिन 1698 में पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित देश रूस ने दाढ़ी पर टैक्स वसूलने की शुरुआत की थी। 1658 में रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर टैक्स लगाया था। पीटर की इच्छा थी कि रूस का यूरोपीय देश के समाज की तरह आधुनिक हो और लोग नियम से दाढ़ी मुड़वाते रहे। तब रूस में दाढ़ी टैक्स चुकाने वालों को एक टोकन मिलता था, जिसे उन्हें हर समय साथ लेकर चलना पड़ता था। आज ही के दिन 1715 में फ्रांस के राजा लुई 14 ने शासनकाल के बाद मृत्यु हो गई थी, जो कि किसी भी बड़े यूरोपीय राजा के सबसे लंबे समय तक का शासन था। 1798 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1804 में जर्मन के खगोल विज्ञानी के एल हार्डिंग ने एस्ट्रॉयड उनों का पता लगाया था। आज ही के दिन 1866 में पहली हवाई यान दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। आज ही के दिन 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था, हालांकि कोलकाता और मुंबई 1955 तक अपने स्थानीय समय को बनाए रखे थे। आज ही के दिन 1956 में भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। आज ही के दिन 1973 में भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राम कपूर का जन्म हुआ था। ये एकमात्र अभिनेता है जिन्होंने इंडियन टेली अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब लगातार 2006, 2007 और 2008 में जीता है। आज ही के दिन 1976 में ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन और रेडियो पर सिगरेट और तंबाकू विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज ही के दिन 1979 में श्रीलंका सेना महिला कोर की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 2000 में भारत के पड़ोसी देश चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया था। आज ही के दिन 1878 में एम्मा एम नट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी थी। उनका जन्म जुलाई 1860 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने जनवरी 1878 में बोस्टन टेलीफोन डिस्पैच कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 2008 में बाटा शू कंपनी के CEO रहे थॉमस जे बाटा का निधन हुआ था। उन्होंने 1975 तक हर साल बाटा में 25 करोड़ जोड़ी जूते बनाए जाते थे, जो 5000 से ज़्यादा दुकानों में बिकते थे। आज ही के दिन 1956 में राज्यों के पूर्ण गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था। आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता KN सिंह का जन्म 1908 को हुआ था। आज ही के दिन 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे ऐसी वीडियो रोज़ाना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के इतिहास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। धन्यवाद।